एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी कोई बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज अपना ब्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है, अभी करीब 6:15 हो रहा है और इबो अभी तक सो ही रही है क्योंकि उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। तो स्कूल भी नहीं गई थी आज, तो मंडे है आज, तो इबो स्कूल नहीं गई है तो सारा काम उलट पुलट ही हो रहा है। रूटीन ही सबसे नहीं हो रहा है क्योंकि उसको ज़्यादातर टाइम देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं शाम होने को हो रही है तो पर्दा सबको लगा लेती हूँ। और गर्मियों में ना यार मच्छर बड़ी ज़ोरों से आ रही है ना, तो इतना मच्छर से परेशान है ना, तो इसीलिए मैं खिड़की वगैरह ना जल्दी से बंद कर लेती हूँ। तो ये वो अभी उठाने चाहूँगी थोड़ा देर बाद, क्योंकि उसको पढ़ाना भी है, स्कूल सबका होमवर्क वर्क भी भेज दिए हैं ग्रुप सब में। तो अभी उसको मैं फटाफट करके उठा के थोड़ा देर मैंने फ्रेश करूँगी, खिला पिला के उसको पढ़ाने बैठाऊँगी। तो शाम होने को ही है। कपड़ा अभी जस्ट मैं धो के निकली हूँ, तो अभी कपड़ा धो के सुखाने जाऊँगी सोच रही हूँ। बट अभी अकेले सो रही है ना तो जाते नहीं बन रहा है, क्या करूँ सोच रही हूँ। अभी उठने के बाद जाऊँ कि पहले जाके आऊँ सबसे पहले। बट यहाँ पे मैं मच्छर देखी सीढ़ी का नीचे, हम लोग का कितना अंधेरा होता है, तो यहाँ पर ना मच्छर के लिए मैं अंडा का ट्रे जला देती हूँ तो ये मच्छर भाग जाएगा। कम से कम दरवाज़ा खोल के रख सकेंगे, नहीं तो ना दरवाज़ा बंद करके ना अजीब टाइप से मुझको लगता है काम कर, पता नहीं, मैं दरवाज़ा सब बंद करके ना नहीं रह सकती हूँ। हम लोग छोटा से ना गांव सब में ऐसे खुला खुला रहने का आदत ना, मैंने ऐसे दरवाज़ा सब बंद करके हम लोग नहीं बैठते हैं जब तक नहीं सोते हैं कोई भी। तो इसीलिए यहाँ पे भी मुझको मैंने घुटन सा लगता है दरवाज़ा बंद करने से। तो खिड़की सब सारा पर्दा वगैरह मैंने लगा लिया है, तो अभी देखती हूँ इबू किस टाइप से कितना सोई है, उठने उठने को है कि नहीं है, तो सबसे पहले चेक कर लेती हूँ। गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज ट्यूसडे और कल शाम को मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो इबू को ना फीवर आ गया है तो स्कूल नहीं जा रही है। कल भी नहीं गई थी, आज भी नहीं गई है, तो इसको भी दवा खिला के देखिए फिर से फीवर आ रहा है। बीच में ठंडा गर्म हो रहा था ना, फिर बच्चा लोग को स्कूल जाके इतने लंबे टाइम तक उसको मैंने हैबिट भी होना पड़ेगा अभी। तो आज भी मैम को लिख दिए हैं कि स्कूल नहीं जाएगी, तो यही है। कल से वीडियो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, कल आप लोग से मिली उसके बाद अभी मॉर्निंग में मिल गई और अभी मैं कपड़ा धो के, कल ही धोई थी एक्चुअली, बट अभी मैं सुखाने के लिए आ गई। रात को सुखाऊंगी बोली, शाम को अभी तक सूख जाता बट कल नहीं आ पाई, वो अकेले सो रही थी तो नहीं आ पाई। तो अभी सुखा लेती हूँ, एक दो घंटे में आराम से सूख जाएगा, अच्छा खासा धूप आ रहा है। अभी गर्मी बढ़ने वाली होगी यार, क्योंकि अभी इतना बारिश के बाद इतना अच्छा से धूप निकला है। तो अभी मैं ब्लैंकेट वगैरह सारा धोते जाऊँगी, दो तो छोटा छोटा है उसको धो दूँगी। तो चलिए फिर गाइस अभी कपड़ा सुखा लेते हैं फटाफट से। अभी दिन के टाइम हो रहा है 1 और मैं फिर से कपड़ा धो के आगे भी सुखाने के लिए, बड़ी जोर से धूप है। देखिए इबू इधर आइए, इबू भी नहा करके नहला धुला लिया फिर लेके आई हूँ, और ब्लैंकेट एक्चुअली धोई अभी। बाबा इधर आइए, साइड में मत जाइए। ये कपड़ा सब मेरा सुबह सुखा के गई थी, देखिए ये सारा सूख गया है। तो अभी इसको उठा के फिर ब्लैंकेट सब सुखाती हूँ, और काफ़ी अच्छा धूप निकला है तो कपड़ा सब धोने के लिए बहुत ही बढ़िया है। जितना भी ब्लैंकेट सब है तो सारा धो दूंगी मैं एक दो दिन में ही। तो आज मैं ज़्यादातर आप लोगों को कपड़ा उठाने सुखाने का ही वीडियो ज़्यादातर दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादातर ऐसे ही काम चल रहा है। और खाना मेरा बन गया है, नहाने के बाद मैं खाना ही बना ली, उसके बाद ऊपर आई हूँ कपड़ा सुखाने के लिए जो ब्लैंकेट सब धोया था। तो यहाँ पे इबू का मैंने फीवर अभी दवा खा के कम हुआ है ना, तो अच्छा से खेल रहे। एक्चुअली वो बच्चे लोग ना मैंने बुखार में भी ज़्यादातर मैंने ज़्यादा प्रॉब्लम ना होने से वो लोग बेड में सोते नहीं हैं, बुखार या जो भी हो तबीयत ख़राब सब में वो लोग खेलते रहते हैं। हर एक बच्चा लोग को मैं देखती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये कपड़ा सब सूख गया तो ये सबको उठा दे, यहाँ पे मैं ये ब्लैंकेट सबको धो दे रही हूँ क्योंकि पतला पतला है तो मैंने जैसे धूप निकला है तो सूख भी जाएगा, और मोटा सबको तो सवेरे ही धोना पड़ेगा तो सबको थोड़ा टाइम लेके ही धोना पड़ेगा गुड फ्राइडे के बाद ही, क्योंकि अभी तो इतना मैंने टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है, तो नीचे आने के बाद मैंने इबू को खाना खिला लिया और मैं अपने लिए खाना निकाल दी हूँ। तो अभी तक करीब 2:30 बज गया है तो मैं खाना खाने बैठ रही हूँ। यहाँ पे सोयाबीन आलू का झोल और लाल भाजी साग, धनिया का चटनी, प्याज और 1 ग्रीन चिल्ली, और मैंने कुकर में भात बना लिया है गर्मा गर्म। तो इबू खा चुकी है तो उस घर में अभी बैठी है। हे गाइस, तो बड़ी ज़ोरों से भूख लग रही है, फटाफट से खाना खा लेती हूँ फिर इबू को सुलाने जाऊँगी, फिर सुला के फिर कैंडल में लग जाऊँगी।
दो दिन बहुत ही ज़्यादा परेशान है काम का, क्योंकि कैंडल बहुत ज़्यादा रेडी करना है गुड फ्राइडे सबके लिए। तो फटाफट खाने के बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है करीब 5:15 और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझको बड़ी ज़ोरों से भूख लग रही है काम करते करते। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, चाय बनी गई एक्चुअली। तो अभी चाय लेके फिर चाय पीने के बाद फिर वीडियो एडिट करना है। तो इबू सो ही रही है चाय पीने के बाद, थोड़ा देर बाद उसको उठाऊँगी 5 बजे तक और 10-15 मिनट सोने देती हूँ। उठने के बाद उसको फिर थोड़ा फ्रेश करके खेलने पड़ेगा, उसके साथ खेलना पड़ेगा, फिर स्टडी करना पड़ेगा। क्या हो रहा था यार लाइट। मेरा चाय बन के आ गया है, तो मैं थोड़ा चाय पी लेती हूँ, चाय बिस्किट, क्योंकि भूख लग रहा है। और कैंडल 2 बार मेरा बन गया है, तो अभी मैं 3रा बार बनाऊँगी ठंडा होने के बाद। तो इबू सो रही है, उसको 4:45 हो रहा है अभी, तो 10-15 मिनट उसको सोने देती हूँ। उठे के उसको फ्रेश करके फिर उसके साथ खेलना पड़ता है, खिलाने पिलाने के बाद फिर शाम को स्टडी कराना है, फिर पैकेटिंग का काम रात को ही करेंगे, क्योंकि राजीव भी थोड़ा हेल्प कर देते हैं पैकेटिंग में। तो जितना भी पैकेटिंग है 2 दिन में ही काम करके ख़त्म करना है, क्योंकि आज क्या है ट्यूसडे, थर्सडे से तो हम लोग का शुरू ही हो जाएगा हम लोग का, तो इसलिए थर्सडे तक नहीं कर सकेंगे। तो जो करना है आज और कल करना है। तो अभी मैं रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा यार, और घुटने में भी दर्द होने लग गया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि किचन का, कितना दिन से मेरा बल्ब इतना डिस्टर्ब हो रहा है, वहाँ का जो मैंने क्या होल्डर, मैंने ठीक से लाइट कभी ऑफ हो रहा है कभी ऑन हो रहा है। तो आज मुझको फ़ोन करना पड़ेगा भैया या भाभी को कि हमको यहाँ पे प्लम्बर भेज दीजिए बोल के, तो क्योंकि काम नहीं कर पा रहे, दिन को तो चल जाता है शाम का वक्त नहीं चलता है। तो एनीवे गाइस, मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो देखिए आज मेरा वीडियो अंधेरा सा लग रहा है, प्लीज़ इग्नोर कीजिए। कुछ कुछ होल्डर मैंने होल्डर ही नहीं जल रहा है, और किचन में भी आप देखे होंगे कि मेरा ऑन ऑफ हो रहा था। तो मैंने अभी मैं दिखा दी हूँ यहाँ पे जो दीदी है घर मालकिन, मैंने भैया का दीदी को, तो प्लम्बर भेज देंगे बोले, अभी तक भेजे नहीं। अभी काम का बीच में इतना झमेला, देखिए कौन इतना हैंडल करता है यार, इतना कैंडल सब बनाना है फिर अभी ये सब झमेला, और शाम को तो लाइट चाहिए ही चाहिए ना, किचन सब में अंधेरा रहने से कैसे खाना बनाएंगे। तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, आज थोड़ा अंधेरा लग रहा है मेरा ये होल रूम में भी वीडियो, क्योंकि यहाँ अभी बल्ब सब कुछ कुछ होल्डर नहीं जल रहा है। एनीवे गाइस, तो यहाँ पे मैं इबू को पढ़ाने के लिए बिठाई हूँ, तो क्योंकि इबू को स्कूल में अभी बोर्ड सब में लिख देती है मैम, तो अभी घर में भी मैं उस टाइप से करा रही हूँ, क्योंकि घर में सिखाने से फिर स्कूल में जाके इजी होगा एक्चुअली। और इबू ना अभी घर में उसका भी रूटीन हो गया ना, तो अभी बोर होती है, दिन को भी ना वो बैठ जाती है बोर्ड सब लिख के लिखने लगती है, कॉपी सब लिख के खुद से लिखने लग जाती है। तो बच्चे लोग को भी ना रूटीन में आ जाने से वो लोग भी अपना ही हिसाब से वो लोग का भी सेट हो जाता है। हे गाइस, तो आज का वीडियो मेरा सिंपल सा ही था, और मैंने घर के काम काज के साथ साथ मेरा कैंडल का भी काम सब चल रहा है, मैंने सब तरफ दिखना पड़ रहा है काम सब। तो जल्दी उठने, मैंने सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो इसलिए काम सब निपटा पा रही हूँ टाइम में, और जितना हो सकता मैंने जितना हो सकता है मैं दिन को करने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि रात को फिर इबू को जल्दी सुलाना पड़ता है स्कूल के लिए, तो कल स्कूल है तो मैं इसको जल्दी सुलाऊँगी। तो एनीवे गाइस, अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।